वेलकम टू ट्यूटर मंत्र ट्रेनिंग। हम आपका इस विशेष कोर्स में स्वागत करते हैं। प्रोग्राम माइटर में ट्रिमिंग करने की प्रक्रिया को हम लोग इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे। अब तक आपको हमने ट्रिमिंग के बेसिक ऑप्शंस के बारे में बताया। सीक्वेंस पैनल में सबसे फास्ट और क्विक तरीके से ट्रिमिंग की जाती है, बट इसमें दो समस्याएं होती हैं। ट्रिमिंग मोड में काम करने पर हमें ऑडियो सुनाई नहीं पड़ता है। प्रोग्राम मॉनिटर पैनल में ट्रिमिंग करने के तीन तरीके हैं सामान्य तौर पे। पहला है रेगुलर ट्रिम, दूसरा है रोल ट्रिम, तीसरा है रिपल ट्रिम। रेगुलर ट्रिम एक बेसिक टाइप का ट्रिम है जो केवल एक साइड एडिट पॉइंट पे काम करता है और सेलेक्टेड क्लिप के ऊपर आप कार्य करते हैं। उसकी एडिट पॉइंट को सेलेक्ट करके ड्यूरेशन को कम ज़्यादा करते हैं। रेगुलर ट्रिम के अंतर्गत हम सेलेक्टेड एडिट पॉइंट को फॉरवर्ड की तरह मूव करते हैं या बैकवर्ड की तरह मूव करते हैं इन द टाइमलाइन, बट इसके द्वारा किसी अन्य क्लिप को कहीं शिफ्टिंग नहीं होती है। यानी रेगुलर ट्रिम में आप किसी दूसरी क्लिप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल एक टाइम पर एक पॉइंट एडिट पॉइंट पर ही आप बैकवर्ड या फॉरवर्ड करके क्लिप की ड्यूरेशन को एडजस्ट करते हैं। हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिन लोगों की इसकी आवश्यकता है। और यदि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं उसके लिए धन्यवाद। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।